आज का राशिफल यानी कि 16/1/2020 का दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सितारे, ग्रह, नक्षत्र बदलते रहेंगे अपनी चाल, आइए जानते हैं क्या है आज आपकी राशियों का हाल। नमो नारायण मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। हम आपको बताने जा रहे हैं आज का राशिफल, जो कि ग्रहों की साधारण सी गणना, जिसे ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के गोचर के नाम से जाना जाता है, इसी पर में हम आपको बताने जा रहे हैं। मित्रों, जीवन में कभी भी कोई सराहना करे अथवा निंदा करे, लाभ आप ही का होगा। कारण, प्रशंसा करेगा तो प्रेरणा मिलेगी और निंदा करेगा तो सुधरने का मौका मिलेगा, देखने का मौका मिलेगा कि मुझ में क्या कमी है। इसलिए कभी प्रशंसा से उलबुलाना मत और निंदा से घबराना मत, हमेशा दोनों को एक ही चरण में रखना। आइए मित्रों, अब मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ आज का पंचांग, कि आज की जो पंचांग की स्थिति है वो आपके लिए कैसी है। आज तिथि षष्ठी है, नक्षत्र हस्त है, कृष्ण पक्ष है, अतिगंड योग है, गुरुवार का दिन है, सूर्योदय 7:15 AM में हो रहा है और चंद्रोदय 11:48 PM में चंद्र राशि कन्या है। सूर्यास्त 5:46 PM में हो रहा है और चंद्रास्त 11:22 AM में ऋतु शिशिर है। शक संवत 1941 है, कलि संवत 5121 है। दिन काल 10:31 का है। विक्रम संवत 2076 है। मासांत पौष है, मास पूर्णिमांत माघ है। शुभ समय जो है जिसमें आप कोई बढ़िया अच्छा सुंदर शुभ काम कर सकते हो, वो है 12:09 AM 12:09 PM से लेकर के 12:52 PM तक का। दुष्ट मुहूर्त जो है 10:45 AM से 11:27 AM तक और 2:58 PM से 3:40 PM तक का। राहु काल जो है 1:49 PM से 3:08 PM तक का। और दिशाशूल जो है दक्षिण दिशा की तरफ है, यानी कि दक्षिण दिशा की यात्रा आज आपको नहीं करनी है, क्योंकि इस दिशा में आज शूल है। अगर आप इस दिशा की यात्रा करते हो तो वो आपके लिए कष्टकारी साबित हो सकता है, आपके लिए लाभकारी साबित नहीं होगा, क्योंकि उस दिशा में आज शूल है। अगर आप जिस काम के उद्देश्य से उस दिशा में जाओगे तो वो किसी न किसी कारणवश अशुभ ही होगा अथवा वो काम नहीं हो पाएगा। आइए मित्रों, अब बात करते हैं आपकी राशि फल के बारे में। आज की सबसे पहली राशि जो है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? मित्रों, आपका ऊर्जा स्तर ऊंचा रहेगा। आज आपको अपने भाई अथवा बहन की मदद से धन लाभ होने की संभावना है। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपके लिए बेहतरीन है, अद्भुत है। धन संपत्ति के मामले में भी समय अच्छा है। पारिवारिक जीवन आज आपका जो है सो खराब रहने वाला है। प्रेम संबंध के मामले में आज का समय आपके लिए मध्यम है, अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो। नहीं तो अगर आपकी शादी हो चुकी है तो भी आज का समय आपके लिए सामान्य है, ना ही बहुत बढ़िया ना ही बहुत खराब। अगर आपकी शादी भी हो चुकी है और आप किसी से प्रेम भी करते हो तो आपका समय आज दोनों ही पक्ष में ठीक रहने वाला है। वो व्यवसाय के मामले में आज का समय आपका खराब है। और अगर आप नौकरी करते हो तो नौकरी भी आज आपका बढ़िया नहीं चलेगा। पढ़ाई लिखाई करने में विद्यार्थियों को मन नहीं लगेगा। और अगर आज कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो भी आपके इच्छा के मुताबिक नहीं होगा। उपाय यह है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, इससे आपके पारिवारिक जीवन में खुशहाली आएगी, आएगी ही नहीं खुशहाली बढ़ेगी। मैं इसके बाद जो बात आती है वो बात आती है वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा? मित्रों, व्यवसाय के मामले में यानी कि बिजनेस के मामले में आज का समय जो है आपका वो खराब रहेगा। वैवाहिक जीवन के मामले में आज का समय आपका सामान्य रहेगा। प्रेम संबंध के मामले में आज का समय भी आपके लिए सामान्य ही रहेगा, अगर आप कहीं प्रेम करते हो तो। नहीं तो
कई लोगों का कहना होता है कि हमारी तो शादी ही नहीं हुई, फिर आप कैसे बता रहे हैं कि आपकी मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी या खराब रहेगी। अरे भाई, जिसकी शादी हुई है उसके बारे में बता रहा हूँ, आपकी नहीं हुई है तो उसको आप छांट दो। अगर आप बिजनेस करते हो, बिजनेसमैन हो, तो व्यवसाय के मामले में आज का समय आपके लिए उतना अच्छा नहीं है। नौकरी करने वाले लोगों को संघर्षमय समय बीतेगा, विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, और कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो भी अच्छा नहीं रहेगा। और स्वास्थ्य के मामले में आज का समय आपके लिए थोड़ा सा खराब रहेगा। धन संपत्ति के मामले में समय ठीक ठाक है, पारिवारिक जीवन आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। उपाय यह है, गंगा जल का सेवन करें, इससे आपके हेल्थ में जो है सो सुधार होगा, हेल्थ के लिए शुभ रहेगा, हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। वृषभ के बाद जो बात आती है वो बात आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा, आइए आपको बताता हूँ। मित्रों, स्वास्थ्य के लिहाज से आज का समय आपके लिए बहुत सुंदर, बड़ा अद्भुत, बड़ा तगड़ा रहने वाला है। धन संपत्ति के मामले में जो समय है आपका वो आज अच्छा रहने वाला है, पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के मामले में तो कहना ही क्या, बहुत सुंदर समय रहने वाला है। व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी और रिजल्ट के मामले में भी आज का समय आपके लिए खराब रहने वाला है। उपाय यह है कि आटे के पेरे में गुड़ रखकर गाय को अगर आप खिलाते हैं तो नौकरी और बिजनेस में इससे आपको उन्नति मिलेगी। मिथुन के बाद जो बात आती है वो बात आती है कर्क राशि की। कर्क राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा। मित्रों, स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपका समय बहुत खराब है। धन संपत्ति के मामले में समय बहुत बढ़िया है। पारिवारिक जीवन आज आपका ठीक ठाक गुजरेगा। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो आपका प्रेम संबंध यानी कि लव अफेयर अच्छा बीतने वाला है। और व्यवसाय अगर करते हैं, बिजनेसमैन हैं अगर आप, तो भी बिजनेस आज आपका अच्छा चलेगा। नौकरी करने वालों के लिए भी समय बेहतरीन है। और विद्यार्थी को पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा। और अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो भी अच्छा रहेगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो वैवाहिक जीवन में प्यार के फूल खिलेंगे और प्यार की ही बरसात होगी। उपाय यह है कि काली उड़द, काले तिल और नारियल जल में बहने से आपका स्वास्थ्य जो है वो अच्छा हो जाएगा। कर्क के बाद जो बात आती है वो बात आती है सिंह राशि की। सिंह राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा ये जानते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का समय जो है आपका वो आज बहुत खराब रहने वाला है। धन संपत्ति के मामले में समय आपका मिला जुला ठीक ठाक रहेगा। पारिवारिक जीवन आज आपकी बेहतरीन रहने वाली है। प्रेम संबंध के मामले में समय जो है आपका वो आज उतना अच्छा नहीं है, अगर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है तो। और बात करूं आपके बिजनेस की, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस आज आपका बहुत बढ़िया, बड़ा बेहतरीन, अद्भुत चलने वाला है। अगर आप एक नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं तो भी आपका नौकरी भी बढ़िया चलेगा। और पढ़ाई लिखाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया रहेगा। अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आपकी शादी हो चुकी है शादी हो चुकी है आपकी, तो आज का दिन आपके लिए खराब रहने वाला है। आज आप परेशानी में रहने वाले हैं। और अगर आपकी शादी भी हो चुकी है और लव अफेयर भी कहीं चल रहा है, तब तो कहना ही क्या, तब तो आज आप ज़्यादा परेशानी में रहने वाले हैं। उपाय ये है कि उबले हुए मूंग किसी गरीब व्यक्ति को खिला दें, इससे आपका स्वास्थ्य जो है अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। तो ये थी सिंह राशि वालों की आज की राशि फल। सिंह के बाद जो बात आती है वो बात आती है कन्या राशि की। कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा ये आपको बताता हूँ। बात करूँ आपके लिए तो स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपका बड़ा अद्भुत, बड़ा बेहतरीन, बड़ा सुंदर रहने वाला है। ऊर्जा से लवरेज रहेंगे, भरपूर ऊर्जा रहेगी आप में आज, किसी भी काम को पहले से कम समय में आज आप खत्म कर पाएंगे। धन संपत्ति के मामले में समय सामान्य है, पारिवारिक जीवन भी आज सामान्य रहने वाला है। अगर आपका कहीं 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 लव अफेयर चल रहा है तो वो भी अच्छा रहेगा। बात करूँ आपके व्यवसाय की, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो व्यवसाय भी आज आपका ठीक ठाक ही चलेगा। नौकरी करने वाले लोगों के लिए भी आज का दिन ठीक है। नौकरी नौकरी नौकरी। और बात करूँ विद्यार्थी की यानी कि पढ़ाई लिखाई करने वाले लोग,
दैट इज कॉल्ड विद्यार्थी, तो उनका भी आज ठीक रहेगा, पढ़ाई लिखाई में मन लगेगा और अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो भी अच्छा रहेगा। बात करूं वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन के मामले में समय आज आपका बहुत अच्छा रहने वाला है, यानी कि प्रेम के फूल खिलेंगे, प्यार की बारिश होगी और आप उस बारिश में स्नान कर सकेंगे। अगर आपकी शादी हो चुकी है और कहीं लव अफेयर भी चल रहा है, प्रेम संबंध भी चल रहा है, तो भी आपके लिए समय आज अच्छा ही है। दोनों मामलों में समय अच्छा है, आपके इस हाथ में भी लड्डू है, उस हाथ में भी लड्डू, क्या मिठाई है। उपाय आपके लिए ये है कि मांस मदिरा हिंसा पर पीरा निंदा का त्याग कर दें, इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। कन्या के बाद जो बात आती है वो बात आती है तुला राशि की। तुला तुला राशि जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं। तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा मित्रों? तुला राशि वाले, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं और बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत सुंदर रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। बिजनेस में आज तो चार चांद लगने की बारी है, बिजनेस आज आपका बढ़िया चलेगा, फायदे का सौदा है। लेकिन अगर आप एक नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, नौकरी पेशा हैं, नौकरी शुदा व्यक्ति हैं, तो भी आपके लिए समय अच्छा है, नौकरी में आज परेशानी नहीं होगी। और पढ़ाई लिखाई करने में विद्यार्थी को भी मन लगेगा। और आपको बता दूं कि अगर आज कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो भी अच्छा ही रहेगा। और बता दूं कि अगर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है, प्रेम संबंध चल रहा है, या करने शुरुआत करने की आज सोच रहे हैं, तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आज का समय आपके लव अफेयर के लिए काफ़ी अच्छा है। लेकिन अगर आपकी शादी हो चुकी है, शादी हो चुकी है, तो मैरिड लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी, मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी, और आपकी मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी। लेकिन अगर आपकी शादी भी हो चुकी है और कहीं आपका लव अफेयर भी चल रहा है, तो भी आपका दोनों ही अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपका थोड़ा खराब जरूर रहने वाला है, धन संपत्ति के मामले में भी समय आज ज़्यादा खराब लग रहा है। पारिवारिक जीवन आज आपके सामान्य रहेगी। उपाय यह है कि लंगड़े अथवा अपाहिज व्यक्ति की अगर आप आज कुछ सेवा कर देते हैं, उनकी कुछ मदद कर देते हैं, तो इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो जाएगा। तुला के बाद जो बात आती है वो बात आती है वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। मित्रों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, व्यापारी हैं, बिजनेस करने की सोच रहे हैं या बिजनेस करते हैं, तो आज का दिन आपके बिजनेस के लिए अच्छा नहीं है। आज आपको बिजनेस में ज़्यादा फायदा नहीं होने वाला है। और अगर आप एक नौकरी करने वाले व्यक्ति हैं, तो टेंशन तनाव से भरा दिन रह सकता है। पढ़ाई लिखाई में विद्यार्थी को मन नहीं लगेगा। अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो वो भी आपके इच्छा के मुताबिक नहीं होगा। बात करूं आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन आपका उतना अच्छा नहीं है। धन संपत्ति के मामले में समय बहुत खराब है और पारिवारिक जीवन भी आज आपका बढ़िया नहीं रहने वाला है। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के मामले में भी समय आपके पक्ष में नहीं है। उपाय यह है कि अपने बड़े भाई के विचारों का सम्मान करें और उनकी बात को माने, इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, ये थे वृश्चिक राशि वालों का आज का राशिफल। वृश्चिक के बाद जो बात आती है वो बात आती है धनु राशि की। धनु राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा आइए जानते हैं। बात करूं आपके आज के दिन की, तो आपका आज प्रेम संबंध के मामले में समय सबसे बढ़िया, सबसे अच्छा, सबसे सुंदर है। और बात करूं आपके वैवाहिक जीवन की, तो वैवाहिक जीवन के मामले में भी समय आज आपके लिए कोई खराब नहीं रहने वाला है। बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत और बड़ा सुखद समय बीतने वाला है आज आपका। अरे हाँ, ठहरिए, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, तो बिजनेस के मामले में भी समय आज आपके लिए बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है। और अगर आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, नौकरी करते हैं, तो नौकरी करने वालों के लिए भी आज का दिन बेहतरीन है। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई में खूब मन लगेगा। अगर कोई रिजल्ट आने वाला है तो आज बहुत अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य के लिहाज से आज का समय आपके लिए खराब रहने वाला है। धन संपत्ति के मामले में समय बेहतरीन है। पारिवारिक जीवन की बात करूं, तो पारिवारिक जीवन भी आज आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। मिला जुला ठीक ठाक रहेगा, खराब नहीं रहने वाला है। फिर भी उपाय आपके लिए ये है कि रात को पानी में जौ भिगो कर रखें और अगली सुबह किसी जानवर अथवा पक्षी को खिला दें, इससे आपकी हेल्थ जो है सो वो अच्छी रहेगी।
धनु के बाद जो बात आती है वो बात आती है मकर राशि की। मकर राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा ये जानते हैं मित्रों। मकर 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 राशि वालों का स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन बहुत बेहतरीन है, बड़ा सुंदर, बड़ा अद्भुत है। धन संपत्ति के मामले में समय जो है आपका वो आज बहुत खराब रहने वाला है। पारिवारिक जीवन जो है आज आपकी सामान्य रहेगी। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के मामले में समय 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 खराब रहने वाला है। व्यवसाय, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी और रिजल्ट के मामले में आज का दिन बहुत खराब है। उपाय यह है कि आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए मांस मदिरा का सेवन ना करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर के बाद जो बात आती है वो बात आती है कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा ये जानते हैं मित्रों। कुंभ की बात करूं तो स्वास्थ्य के लिहाज से आज का समय आपका बहुत खराब है। धन संपत्ति के मामले में समय जो है आपका वो भी आज अच्छा नहीं रहने वाला है। पारिवारिक जीवन आज आपका पारिवारिक जीवन आज आपका अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन के मामले में समय जो है आपका वो आज सामान्य रहेगा, ना ही बहुत बढ़िया ना ही बहुत खराब, मिला जुला ठीक ठाक। लेकिन अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, बिजनेस करते हैं, तो व्यवसाय आज आपका बढ़िया चलेगा। नौकरी करने वालों के लिए भी आज का दिन अच्छा है। और अगर आप पढ़ाई लिखाई करते हैं, विद्यार्थी हैं, तो भी आपको मन लगेगा और रिजल्ट आने वाला है, तो वो भी ठीक ठाक रहेगा। उपाय ये है कि सोते समय एक तांबे के पात्र में जल रखकर अगली सुबह घर के पास वाले पेड़ की जड़ में उस जल को डाल दें, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। कुंभ के बाद और आज की सबसे अंतिम चरण की अंतिम राशि यानी कि मीन राशि। मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा रहेगा ये जान लेते हैं मित्रों। बेहतर जिंदगी के लिए अपनी सेहत और व्यक्तित्व में सुधार लाने की कोशिश करें। आज आप आसानी से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं, लोग को दिए पुराने कर्ज वापस मिल सकते हैं, या फिर किसी नई परियोजनाओं पर लगाने के लिए धन अर्जित कर सकते हैं। रिश्तेदारों से सहयोग मिलेगा और दिमागी बोझ से छुटकारा भी मिलेगा। कुछ लोगों के लिए जल्द ही शादी की शहनाई बज सकती है, जबकि दूसरे जिंदगी में नए रोमांस का अनुभव करेंगे। काम में मन लगाएं और जज्बाती बातों से बचें। देर शाम तक आपको कहीं दूर से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। आपका जीवन साथी आज आपके लिए कुछ बहुत खास कर तो सकता ही है। उपाय यह है कि नौकरी और बिजनेस में जाने से पूर्व केसर का तिलक मस्तक पर लगाना आपके लिए काफी शुभ रहेगा। तो मित्रों यही थी मीन राशि वालों की आज की राशिफल। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन 12 के 12 राशि के बारे में और भी आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आगे का वीडियो कंटिन्यू करें, देखते रहें, क्योंकि मैंने प्रत्येक राशि के बारे में आपको बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है जिससे आपको फायदा मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं और आगे देखना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू रखें।